आपने प्यार से शाम को दूध पिलाया तो अब वो दूध पीने आपके घर ही आ गया। बकवास बंद कर गधे कहिए। इसने तो फूल ही खिलाया था, बीच में वो कांटा आ गया। उसकी गाड़ी इसलिए चली क्योंकि इसी ने उसमें दोस्ती का पेट्रोल भरा। क्या कह रहे थे तुम? इंसान की जबान और उसकी आंखों से उसका कैरेक्टर पहचानते हो। लोग पान खाकर थूकेंगे तुम पर, वो चूना लगाकर चला गया। छी छी छी, वो मस्का पॉलिश करके अपनी किस्मत चमका गया। जब मैंने आगा किया तो नहीं, तुम कुछ नहीं समझते, बीच में मत बोलो, ऐसा कह के मेरा मुंह बंद करवा दिया था तुमने। तो अब भुगतो खुद। मधु आके कहेगी मुझे उससे शादी करनी है, करा देना। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। जो करे मेरे साथ डबल क्रॉस उस पर लगा देता हूँ मैं। बॉस बहन, मुझे दिल की बात बताए उससे पहले उस कुत्ते को टपका दूंगा। ये हुई ना बात, गाड़ी निकालो। भाई टपका डालो। रुक एक मिनट अंशुल भाई, वो रोमियो इस वक्त मेरे सामने है, बाइक पे है, हेलमेट पहने, बोलो तो टपका दूं? हेलमेट उसे एक्सीडेंट से बचा सकता है, हमसे नहीं बचा सकता। जाओ उसका पीछा करो, मैं भतीजों को लेके आता। उसने फ्लाईओवर पर चढ़कर लेफ्ट टर्न ले लिया, गाड़ी से उसकी बाइक को ठोक दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, ये काम बाप जी अपने हाथों से करेंगे, तुम उसका पीछा करो। हाँ ठीक है। हेलो, वो मंत्रालय पहुंच गया है, हम वही मारेंगे उसे। अरे ये ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा? अरे उसे वहाँ मारेंगे तो पूरे स्टेट में फटाफट न्यूज फैल जाएगी। माँ जी। हाँ बेटा। ये 100 रुपए रखिए और ये पैकेट संभालिए, मैं अंदर जाकर लेता हूँ। ठीक है। भाई वो अंदर चला गया, चलो चलते हैं। हाँ। देखना बाप जी, आज जो मर्डर होगा ना वो हमारे आज तक के गुनाहों का हाईलाइट होगा। सर डीजीपी सर मीटिंग में हैं। हम तो उन्हें इनविटेशन देने आए थे, भतीजे की मंगनी है ना। वेट कीजिए प्लीज। चलो भतीजे, चलो चलो। कहाँ मर गया वो? अरे बोला, जाओ जाकर खत्म कर दो। डीजीपी को टपका दिया इसने, तो हम किस खेत की मूलियां भतीजे? सुनो मटर प्लान कैंसल, हम तो इसका बैकग्राउंड तक नहीं जानते, वो हमें देखे इससे पहले सटक लो। मुंह छुपा लो। चाचे मेरे सीने में दर्द हो रहा है। मेरी तो हर जगह दर्द हो रहा है। ए जरा पीछे मुड़ के देखो कि वो गया है कि नहीं। ए सुना नहीं, इतनी गोली खाएगा तो जाएगा ही ना। बेवकूफ कह के मरने वाले को नहीं मारने वाले को देखो। लगता है वो चला गया है। बच गए। बाप जी को आज तक इतना बुखार नहीं हुआ है, इन्हें देख के मुझे टेंशन हो गई है। ये कोई वायरल फीवर नहीं है, अचानक झटका लगने से बुखार आया है। क्या इन्होंने पास से कोई हादसा देखा था? हाँ बहुत ही भयानक हादसा,